हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्मा चेप्पिन वंटलू। आज मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ, वो है ग्रीन चिल्ली चिकन। हम घर में आसानी से बना सकते हैं। ये रेसिपी के लिए मैं इधर ले रही हूँ 500 ग्राम्स चिकन। चिकन को अच्छा सा वॉश करके इधर चौथाई चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, और नमक हम टेस्ट के हिसाब से लेंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिए क्योंकि मसाले पूरे चिकन को अब्सॉर्ब होना है। एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करिए। इधर मैं 500 ग्राम चिकन के लिए 50 ग्राम्स दही ली हूँ, यानी आधे कप दही। अच्छे से मिक्स करके हम इसको 15 मिनट तक छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। नेक्स्ट हम लेते हैं ग्रीन चिल्ली चिकन, है ना। इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स हरी मिर्ची, पुदीना। मैं इधर पुदीना हरी मिर्ची थोड़ी थोड़ी ली हूँ, अब देखिए। एंड कोथिंबीर, फ्राइड ऑनियंस। मैं इधर 3 मीडियम साइज ऑनियंस लेके ऐसे फ्राई करी हूँ, अच्छे से ब्राउनिश। अभी हम मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम एंड 2 अखरोट्स, इलायची। आधा कप पानी डाल के हम इसको पेस्ट बनाएंगे। ऐसा पेस्ट होना, ऐसे कंसिस्टेंसी में हमको पेस्ट चाहिए। अभी हम ये पेस्ट पूरा चिकन मिक्सचर है ना, उसमें हम डाल देंगे। ये पेस्ट को हम अच्छे से चिकन में मिक्स करके अभी हम गैस के ऊपर पैन रख के वो गरम होने के बाद 3 चम्मच तेल डालिए। तीन चम्मच तेल डालने के बाद हम जो भी मिक्सचर है ना अभी चिकन में मिक्स करे थे वो मिक्सचर पूरा हम इसमें डाल देंगे। तेल में हम कुछ भी नहीं डालना नहीं है, पूरा हम इसमें ही डाल दिए ना मसाले पूरा, सिर्फ डायरेक्ट ये मिक्सचर डाल देना है। अभी हम इसको 20 मिनट तक कुक करेंगे, ढक्कन लगा के 20 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम में कुक करना है, हाई फ्लेम लगाना नहीं है और लो फ्लेम भी नहीं, ओनली मीडियम फ्लेम में ही कुक करना है। 20 मिनट के बाद देखेंगे ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है, फिर हम इसको 5 मिनट हम फिर से कुक करेंगे क्योंकि चिकन थोड़ी सी पकना है, तो हम इसको फिर से 5 मिनट कुक करेंगे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। 5 मिनट के बाद देखेंगे ये कुक हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे आधा नींबू, अच्छे से मिक्स करके हम इसको सर्विंग बाउल में ले लेंगे। देखिए ये रेसिपी बनाना कितना, अभी कुक हो गया है पूरा, ये रेसिपी बनाना कितना आसान है ना, तो आप भी घर में बना के ये रेसिपी को टेस्ट कीजिए। अच्छे से मिक्स करके हम इसको बाउल में, सर्विंग बाउल में ले लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।